और हेल्दी होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसको यूज करके आप पा सकते हो एकदम क्लियर स्किन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमने लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने अभी अभी प्लांट से तोड़ी है और उसको कट कर लिया है। इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ चीनी। ये एक एक्सफोलिएटर की तरह काम करेगी और जितने भी ब्लैक हेड्स और डेड स्किन है हमारी स्किन पे सब रिमूव कर देगी। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ली है डाबर की हनी। आपके पास जो भी हनी है वो ले सकते हो आप। ऑलमोस्ट 1 स्पून मैंने इसमें हनी ऐड की है। सब इसके ऊपर डालेंगे, चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे इसको और ये रेडी है। नाउ इसे मैं अपने फेस के ऊपर अच्छे से मसाज करूँगी। जो हमने शुगर ऐड की थी उससे हमारी स्किन पर जितने भी ब्लैक हेड्स, डेड स्किन जो भी है या वाइट हेड्स हैं सब रिमूव हो जाएंगे और हनी हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी। ये रेमेडी यूज़ करने के बाद आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है गाइज, और आपकी स्किन बहुत ही फ्रेश और कूल लगती है। अच्छे से पूरे फेस पर मसाज कर लेंगे, आइज़ के भी अराउंड इससे मसाज करेंगे तो हमारी आइज़ को काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है समर्स में। राउंडिंग मोशन में हम मसाज करेंगे और बिल्कुल आइज़ के अराउंड हल्के हाथ से मसाज करनी है। अच्छे से मसाज कर लेंगे पूरे फेस और नेक एरिया पर। ऑलमोस्ट 10 मिनट तक मसाज करेंगे। ऑलमोस्ट 10 मिनट मसाज करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए एज अ फेस पैक ऐसे ही छोड़ देंगे अपने फेस पर और फिर वॉश कर लेंगे। अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया नॉर्मल वाटर से और पैड ड्राई कर लिया है। लुक एट माय स्किन गाइस, आपकी स्किन एकदम से इंस्टेंट ग्लो करती है और बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है आपको। मतलब ये बहुत ही बेस्ट वाली नेचुरल रेमेडी है जो आपकी स्किन को बहुत ही प्लम्पी बना देती है। वॉचिंग माई वीडियो, होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू एवरीवन।